आज हम लोग ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारी वीरांगना के रूप में, देश की वीरांगना के रूप में जानी जाती है फूलन देवी। फूलन देवी के बारे में अभी तक हमारे साहित्यकारों ने कलम उस दिशा में नहीं मोड़ी है जिसकी हमें समाज को आज ज़रूरत है। आपने निर्भया कांड सुना होगा या तमाम तरह के बलात्कार कांड सुने होंगे जिसमें प्रायः बलात्कार पीड़िता के प्रति हमारी सहानुभूति और वो हमारे लिए एक दया की पात्र होती है। लेकिन फूलन के साथ ऐसा नहीं है। फूलन न तो दया की पात्र है न सहानुभूति की पात्र है। फूलन एक तरह से कहा जाए तो अपने स्वाभिमान की रक्षा की प्रतीक है। दुनिया भर के इतिहास महिला वीरांगनाओं से भरी पड़ी हुई है। हम कई कहानियाँ जानते हैं, कई इतिहास जानते हैं। हमारे यहाँ अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपने देश की महिलाओं ने जौहर तक किया, मतलब कि स्वयं को आग के हवाले तक कर दिया ताकि उसकी इज्जत और अस्मिता बची रहे। लेकिन फूलन का जो मामला है उन जौहर करने वाली महिलाओं से भी कहीं ऊपर है। फूलन के साथ जब अत्याचार हुआ तो वह खुद को मारी नहीं, उन्होंने खुद को ख़त्म नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया उसको ख़त्म करने की न सिर्फ प्रेरणा ली बल्कि उसका प्रतिघात भी किया। तो यह फूलन और बाकी के जो महिला अस्मिता की बात होती है वह सबसे फूलन को अलग करती है। तो फूलन का जीवन जो है वो अब तो खासकर हिंदी पट्टी में किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब लोग जानते ही हैं। हम लोग कई एक सालों से सोशल मीडिया के माध्यम से फूलन के बारे में विस्तार से जाने और जानने से भी ज़्यादा हमारी जिज्ञासा और हमारा जो कलम है इस दिशा में बढ़ चला कि फूलन के साथ जो त्रासदी हुई और फूलन का जो प्रतिकार था वह विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि वह ज़रूरत है समाज को। प्रायः भारत में बलात्कार एक ऐसी अवस्था है जो शरीर की पीड़ा से ज़्यादा बड़ा समाज की पीड़ा है। किसी महिला का बलात्कार हो जाए तो वह एक तरह से समाज का एक छिन्न भिन्न अंग के रूप में खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जिस किसी का बलात्कार हो गया उसे तो अब जीने का अधिकार ही नहीं है, लगता है कि तुम्हारा अब कुछ बचा ही नहीं। तो यह भारत की सामाजिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को बहुत हद तक पाटने का काम जो है फूलन का एक क्रांतिकारी कदम ने किया। फूलन बचपन से ही, मतलब कहा जाता है कि जो क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं उनमें बचपन से ही कुछ झलक देखने को मिल जाती है। मैं विशेष रूप से एकाध घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे एक बार, क्योंकि हम जानते हैं कि फूलन एक गरीब परिवार से थी, मल्लाह जो उत्तर प्रदेश में अभी ओबीसी में आते हैं, और बेहद गरीब, मतलब एक पूरा भरा पड़ा परिवार था इनका, लेकिन टोटल कुल जमा 1 एकड़ ज़मीन थी और परिवार जो था वो कृषक ही था और नाव वाव चलाने का काम करते थे लोग, लेकिन विशेष रूप से उससे ऐसी आमदनी नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात कि इनका जो गांव था वह राजपूत जमींदारों के अधीन क्षेत्र में था। और यह बात किससे छुपी हुई है और हमें कहने में गुरेज भी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे महिलाओं के साथ जो सामंती ताकतों ने और ख़ास करके राजपूत वर्ग के लोगों ने जो अत्याचार किया है वह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आज भी हम जानते हैं कि कई एक इलाके ऐसे रहते हैं जहाँ पे पहली डोली जो है उनके घर के सामने से। तो यह भारत है, भारत की सरांद है, ज़्यादा दूर हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि फूलन का जो स्वभाव था बचपन से ही उग्र था, उसका एक झलक हमें बचपन में ही देखने को मिलता है। जब वह मुश्किल से 6-7 साल की होगी, 7-8 साल की, तो कुल जमा इनके यहाँ पूरे भाड़ा परिवार में 1 एकड़ ज़मीन था। उस 1 एकड़ ज़मीन में भी एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ था। तो परिवार के बाकी सदस्यों ने फैसला ये किया कि पेड़ को काट देते हैं, और पेड़ को काट देंगे तो कुछ रकबा बढ़ जाएगा, खेती लायक ज़मीनें जो है थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, उपजाऊ ज़मीन में फसलें इतनी हो जाएगी कि परिवार का जो है भरण पोषण आराम से हो सके।
तो इस बात के लिए सब कोई राजी हो गया, लेकिन फूलन पता नहीं क्यों इस बात से डिसएग्री करती थी और वह विरोध करती। और विरोध में जो सबसे उनका एक भाई था, मायादीन नाम था उसका, तो वह सामने आकर खड़ा हो गया और फूलन उसको बहुत गाली गलौज, जो गांव में बोला जाता है कि तोरा माई तोरा बहन, इस तरह से जिसको कहा नहीं जा सकता, तो इस तरह से गाली गलौज की वो, और पेड़ को कटने से बचाने में उस टाइम वो कामयाब रही। तो बचपन से ही विरोधी स्वभाव की थी। फिर एक दौर आता है कि जब वो 11 साल की होती है तो अपने से तिगुने उम्र से ज़्यादा व्यक्ति, चार गुने उम्र के बराबर व्यक्ति से इसकी शादी कर दी जाती है, ससुराल जाती है, तो वहाँ भी तमाम तरह के दिक्कत है। देखिए यहाँ पे कहना ये, मैं फूलन और बाकियों से जो महिलाएं, जो जनरली हम महिलाओं के प्रति महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के प्रति अत्याचार की जब हम बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं, सरलीकरण कर देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। महिलाएं शोषित हैं, लेकिन वह महिला जो दलित और गरीब वर्ग से हो वो विशेष रूप से शोषित हो जाती है। वह समाज के सामंत से लेकर अपनी आर्थिक स्थिति और भारत की जो व्यवस्था, इन तीनों जगहों से वह शोषित होती है। तो इस शोषण को हमें समझने की ज़रूरत है। ससुराल में भी वह प्रताड़ित होती है, वहाँ एक तरह से कहा जाए तो उसके पति द्वारा, एक तरह से बोला जाए तो मतलब बलात्कार ही होता है। तो फूलन को वहाँ भी मतलब एक तरह से अच्छी स्थिति में नहीं रह पाती हैं वो। फिर उसके बाद वहाँ से उसे डकैत उठा के लेकर चल जाता है और यहाँ से डकैतों के साथ फूलन का संपर्क होता है। डकैत उठा के ले जाते हैं, वहाँ कोई गुर्जर, मनप्रीत गुर्जर करके नाम था, उसके साथ बलात्कार करता है, एक आध और होते हैं। फिर एक सहारा मिलता है, विक्रम मल्लाह, विक्रम मल्लाह उस व्यक्ति का नाम था, वो फूलन के लिए एक सहारा आता है। और जो गुज्जर था जो इसके साथ बलात्कार किया था फूलन के साथ, विक्रम मल्लाह उसकी हत्या करके उस गैंग का सरदार बन जाता है। लेकिन विक्रम मल्लाह का भी गैंग जो था वो एक बेहमई गांव के ही एक राजपूतों का सरगना था, तो उसके अधीन में ही था। एक तरह समझा जाता है राजपूतों द्वारा ही वह संगठन फलीभूत हो रहे थे, इधर से उधर लूट मार, मतलब पूरा संगठनात्मक। लेकिन विक्रम मल्लाह और फूलन देवी के संपर्क में आने के बाद योजना ये जनरली ये बनी कि जो लूट के सामान होंगे वो गरीबों में बांटे जाएंगे और गरीबों पे जो अत्याचार करेगा उसके खिलाफ भी प्रतिकार किए जाएंगे। देवी माँ के सामने कस्में हम फिल्मों में सब देख चुके हैं जनरली। तो बातें कुछ हद तक सर फूल वहीं के डकैत, चंबल के ही डकैत सीमा परिहार जो थी वह भी बताती हैं फूलन के बारे में। हालांकि फूलन से उनका उम्र बहुत कम रहा है, लेकिन वो फूलन से उनका मुलाकात हुआ है, वह भी बताती हैं कि किस तरह से विक्रम मल्लाह के साथ है इनकी रही। तो विक्रम मल्लाह की जो इनको फूलन को सशक्त बनाने में एक भूमिका रही है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। फिर एक दौर वो भी आता है कि फूलन को पकड़ने के लिए, यहाँ हम लोग थोड़ा सा ये मेंशन करेंगे कि जो विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी जाती है राजपूत गैंग के द्वारा, फिर फूलन को उठाकर लाते हैं लोग बेहमई गांव में और कई एक दिनों तक लगातार बलात्कार, फिर उसके बाद उसकी रपट लिखाने के लिए पुलिस के पास, तो फिर पुलिस के द्वारा बलात्कार, यह बचपन से लेकर मतलब जवानी तक फूलन के साथ चलता रहा। हम लोग जितना कहेंगे, मैं यहाँ पे ज़्यादा न कहकर मैं फूलन को कमज़ोर नहीं, एक सशक्त नारी और भारत की सबसे अदम्य साहस प्रतीक की एक नारी के रूप में फूलन को लोग जाने, इस विषय में ही हमारा विशेष बात है। और ऐसा नहीं था कि फूलन के साथ एक जन समूह है। मुझे एक घटना अभी याद आया कि एक हमीरपुर के तत्कालीन SP थे विक्रम सिंह, वो एक घटना में बताते हैं कि एक बार फूलन को पकड़ने के लिए हमीरपुर में ही पूरा एक गैंग जो है पुलिसों का बैठाया गया। और ध्यान देने वाली बात है कि पूरे गांव में छापा मार दिया गया और विक्रम सिंह जो थे एक भूसा के नीचे बैठ गए कि अब फूलन कहाँ से निकला, 2-3 घंटा हो गया, पूरे गांव के हर एक घर को छान मारा गया, फूलन नहीं मिली। फिर एक जगह एक बूढ़ी महिला थी, वो लगातार जो है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में बोल रही है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, लोग समझ में नहीं आ रहे थे बूढ़ी क्यों बोल रही है। फिर अंत में हार दाब के विक्रम सिंह उस भूसे से निकले और 3-4 दिन बाद पता चला कि वो मुस्लिम महिला जो थी
उसी के यहाँ फूलन जो है छुपी हुई थी। लोग लगे बूढ़ी महिला है, इसके पास कैसे कौन रहेगा, घर भी छोटा सा। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि वह या अल्लाह जो है एक तरह से इंडिकेटर था कि फूलन आप निकलिए मत, यहाँ जो है पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। तो फूलन का जो समाज में प्रभाव था, आप समझ सकते हैं कि गरीब से गरीब महिला भी फूलन ना पकड़ाए, इसके लिए भी वो लगातार मतलब लोग जो हैं प्रयत्नशील थे कि फूलन को पकड़ा ना जाए। लेकिन फूलन यहाँ समझ गई थी कि अब जो है हमारा बचना मुश्किल है। फिर वह दिन आता है कि 12 फरवरी 1983 को तत्कालीन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने वो सरेंडर करती है फूलन देवी, और जाती है और पूरे बंदूक को पहले ऊपर करती है, फिर उसके बाद अर्जुन सिंह के चरणों में रखती है। अर्जुन सिंह को हम जानते हैं सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण संबंधित प्रावधानों को, अर्जुन सिंह का योगदान जो है उसको भूल नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन सिंह से ज़रूर वो प्रभावित हुई होगी, तभी वो उनके सामने सरेंडर की। फिर एक दौर वो भी आता है कि 1994 में 1983 से लेकर 1994 11 साल तक फूलन देवी को सजा होती है। वो सजा होने के बाद वो फिर से मुख्य धारा में आती है। सोचिए कि कहाँ से कहाँ इस महिला का अदम्य साहस जो है हमें देखने को मिलता है। 11 साल की सजा काटने के बाद 1994 में वह मुख्य धारा में आती है, और उस टाइम मुलायम सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, फूलन देवी को रिहा करते हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल होती है। फिर उसके बाद 1996 और 1999 में हम जानते हैं कि फूलपुर से फूलन देवी सांसद बनी। और फिर एक दौर ये भी आता है कि उनकी जो है हत्या शेर सिंह राणा द्वारा कर दिया जाता है। पता नहीं उस व्यक्ति को शेर सिंह राणा लोग क्यों कहते हैं, वो उसका काम जो था एक हिजरे से भी गया गुजरा है, जो आज तक किसी ने बताने का प्रयास नहीं किया। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ और सब लोग जाने और समझे चीज़ों को और सुने कि शेर सिंह राणा नाम ही सिर्फ, बाकी काम कायर वाला। कैसे एक एकलव्य सेना हुआ करती थी उस टाइम। एकलव्य सेना की उस टाइम अध्यक्ष कोई महिला थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो फूलन देवी के संचालन में प्रदेश अध्यक्ष थी महिला ही कोई। तो उस मतलब शेर सिंह राणा जो है उसको किसी भी तरह से बहला फुसला लेता है और उसके साथ दोस्ती कर लेता है। और जो एकलव्य सेना की महिला अध्यक्ष जो थी, फूलन के यहाँ लगातार आना जाना होता है। तो एक दिन फूलन देवी घर से निकली ही थी कि शेर सिंह राणा जो है आता है और उनके घर के सामने ही ताबड़तोड़ गोलियों से हमला करके और उनकी हत्या कर देता है। और यह यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी जो है कि शेर सिंह राणा को फूलन देवी अपने हाथों से ही खीर बनाकर खिलाई थी। तो सोचिए कि अब क्या कहा जाए। फूलन देवी का तमाम इंटरव्यू आपने देखा होगा, एक इंटरव्यू मैंने भी देखा था, उसमें वो बड़े ही विमुख और रोते हुए मतलब कहती है कि हमें भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ मांगती हूँ कि हमें कुत्ता बिल्ली में जन्म दे देना, लेकिन औरत में मत देना। आप समझ सकते हैं इस पीड़ा को। फूलन देवी कहती है कि हमें भी बड़ा मतलब एक तरह से अच्छा लगता है कि हमारी भी घर बसे, हमारे भी बच्चे हो। बच्चों से फूलन देवी को विशेष स्नेह था। इस महान महिला को जितना जितनी तरीकों से आप याद कीजिए, बताइए और लोगों को समझाइए कि जहाँ जब कोई सामने नहीं खड़ा होता है तो आप स्वयं आकर खड़े हो। आप अपने लिए तमाम तरह के जो आंदोलनों की हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए निर्भया फंड से लेकर, लेकिन फूलन के आगे सब फीका है। आप दुनिया में तमाम तरह की क्रांति देखे होंगे, लेकिन फूलन की क्रांति जो है सबसे विशिष्ट है। हम तो कई सालों से फूलन देवी के लिए भारत रत्न की भी मांग करते हैं।